नमस्कार। आपदा के सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात पर्वतीय आपदाओं की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर हिमालय के मिजाज को भी बिगाड़ रहा है। साल दर साल आने वाली अप्रत्याशित आपदाएं हमें डरा रही हैं। बीते कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि कैसे बेमौसम की बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमालयी क्षेत्र को बड़ी त्रासदी से गुजरना पड़ा है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक कारणों, मानव जनित उत्सर्जन के नतीजतन उत्पन्न जलवायु परिवर्तन और आधुनिक समाज के विकासात्मक प्रतिमानों के कारण होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों और उनके नतीजों के प्रति अति संवेदनशील है। आज मानव का अस्तित्व अपने ही क्रियाकलापों के कारण खतरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके समाधान के लिए आज जन जन की सहभागिता की आवश्यकता है। इसलिए कहा भी जाता है कि तैयारी में ही है समझदारी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सभी विषयों पर, खासकर पर्वतीय आपदाएं और उसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं एनडीएमए के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं एनएचपीसी से बीडी पाटनी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सत्यावली जी, जो कि निदेशक हैं डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कुणाल सर, मैं आपसे करना चाहूंगा, और जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, उनकी समझ के लिए, कि ये जो माउंटेन हजार्ड्स, पर्वतीय आपदाएं, ये कहते किसे हैं और अगर आम भाषा में कहा जाए, समझा जाए, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये पर्वतीय आपदाएं, माउंटेन हजार्ड्स आखिर होते क्या हैं? जो बहुत बहुत धन्यवाद। जो पर्वतीय आपदाएं हैं वो मैदानी क्षेत्रों के आपदाओं से फर्क हैं, और सबसे बड़ी जो आपदा पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल रही है वो भूस्खलन का है, लैंडस्लाइड बोलते हैं उसको जी। उसके अलावा आपने बरसात के दिनों में, जुलाई अगस्त के महीनों में, जैसा ये पिक्चर दिखा रहा है, बादल का फटना, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ऐसे आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत सारी ग्लेशियर्स जो पीछे जा रही हैं, सिकुड़ रही हैं, उसके कारण बहुत से बड़े कृत्रिम झील बन गए हैं जी। और उसको अंग्रेजी में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं, ग्लॉफ बोलते हैं, एवलांच है, एवलांच बर्फ का सडनली मूव करना। तो ऐसी सारी आपदाएं, और जो आपदा दिखाई नहीं देती और नॉर्मली फील नहीं होती, जैसे भूकंप की आपदा है, उसके लिए भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी प्रभाव होता है उसका। तो ऐसी आपदाएं अमूमन देखने को मिलती हैं, और हमारे पर्वतों में, चाहे हिमालय की बात करें, चाहे वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट की बात करें, और उन सारे इलाकों में ये सारी आपदाएं देखने को मिलती हैं। ओके पाटनी सर, मैं आपको लाना चाहूँगा चर्चा में। और जैसा कि हमने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में, वो बीते सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हम आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे आप चूंकि जुड़े हुए हैं सारी चीजों से, क्या लगता है कि बीते सालों के मुकाबले अब ज्यादातर इस तरह की घटनाएं हिमालय क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कुछ कारण आप मानते हैं? अमित जी, अतीत को अगर देखें हम, तो पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी, इसमें दो राय नहीं। अगर आप जाएं अतीत में, 1950 में आसाम अर्थक्विक जब आया है, तो उसमें एक बहुत बड़ी झील सुबानसरी नदी पर बन गई, और बाद में उस झील के ब्रीच होने से काफी नुकसान हुआ। 1880 अगर हमने नैनीताल का एरिया लें, नैनीताल में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 150 विदेशी नागरिक या ब्रिटिशर्स जो हैं वो नए साल का उत्सव मना रहे थे, वो सब के सब खत्म हो गए। उसके अलावा गोहना लेक, एक बहुत बड़ी झील उत्तरकाशी में बन गई थी, विराही निधर की नदी के ब्लॉक होने से। तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जिस तरह का वातावरण इस समय ग्लोबली बन रहा है, इतना कार्बन इमिशन, 19वीं सदी के औद्योगिकरण के बाद अगर देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है धरती के ऊपर, और उसका परिणाम ये है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और असामान्य बरसातें, जो वर्षा वृष्टि हो रही है, उसकी वजह से जो है हिमालयन जो जोन है उसमें ऊपर की जो लेयर है हमारी
लैंडस्लाइड की आई हुई या इरोजन के द्वारा जो जमा हुआ मलुआ है वो सारा सैचुरेट हो जाता है, तो वो इफेक्ट हमको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और अभी देखें आप, 2-3 महीने पहले हिमाचल में, उत्तरांचल में तो हर तीसरे दिन चौथे दिन खबर आ जाती थी कि इस तरह से जो है बाढ़ आ रही है और जान माल का नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट हिमालय पर भी पड़ रहा है और उसकी वजह से इस तरह घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन मेरा अब अगला सवाल डॉक्टर प्रमोद सत्यावली सर आपसे है कि हम सभी जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है और तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के तौर पर, तकनीकी तौर पर भी विज्ञान काफी आगे बढ़ा है, वैज्ञानिक तौर पे, तकनीकी तौर पे क्या हम इन चीजों को रोक सकते हैं, या अगर नहीं भी रोक सकते हैं तो क्या उससे पहले जो जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या वो सावधानी बरतें, कम से कम उसके जरिए हम जो होने वाले जानो माल का नुकसान होता है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, ये शुरू से ही हो रहा है, जब से आइस एज से हम आज तक जिस स्थिति पर पहुंचे हैं, ये क्लाइमेट चेंज की ही वजह से हम आज यहां पर पहुंचे हैं। स्थिति यह है कि क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा तेजी आ रही है, जैसे कि अभी पाटनी साहब ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और अब जो है ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो ये एक चिंता का कारण जरूर है। जहां तक हिमालयी क्षेत्र की बात है, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यहां पर भूकंप है, यहां पर एवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड होता है, यहां पर क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ग्लॉफ की प्रॉब्लम है, आइस एवलांच भी आते हैं, जो पिछली बार हमने चमोली में देखा था 7 फरवरी को जी। और भूकंप को यदि हम छोड़ दें तो जितनी भी दूसरी आपदाएं हैं वो मौसम से संबंधित हैं, चाहे वो एवलांच है या लैंडस्लाइड है या ग्लॉफ और आइस एवलांच है। तो अगर हम मौसम को अच्छे से समझेंगे तो ये जितनी भी आपदाएं हैं इनको भी हम समझ सकते हैं और इनको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास उस डीजीआरई का सवाल है जी। हमारी लैब का फोकस स्नो एवलांच के ऊपर अधिक है, क्योंकि यह हर साल विंटर मंथ्स में होता है और सेफ्टी ऑफ ट्रूप्स इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस। इसलिए इसमें यह भी एक अच्छी चीज है कि जो एवलांच हैं वो किसी निश्चित जगह पर ही आते हैं, और ये जगह करीब तकरीबन हमारी लैब ने 3000 ऐसी जगह हैं जिनको चिन्हित किया है जहां पर एवलांच आते हैं। लेकिन प्रमोद सर अभी है कि सर अगर सुन पा रहे उसी जगह पर ना आए, लेकिन जब भी आएगा उन जगहों पर ही एवलांच आते हैं। तो इस आपदा को कम करने के लिए हम लोग एवलांच फोरकास्टिंग करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं इन जगह पर जहां से हमारे पास डेटा आता है, हमने मॉडल डेवलप किए हुए हैं, साइंटिफिक मॉडल हैं, प्रोसेस बेस्ड मॉडल हैं और डेटा ड्रिवन मॉडल्स भी हैं जिनसे हम फोरकास्ट देते हैं जी। हम डेली फोरकास्ट देते हैं विंटर मंथ में, ठीक। ये फोरकास्ट हम एनडीएमए के द्वारा भी आम पब्लिक के लिए देते हैं, ओके सर, जिले में जाती है, और जो हमारा यूजर है, जो ट्रूप्स है, उनको तो हम एक दूसरा चैनल है उसके थ्रू इसको देते ही देते हैं सर। मैं इसको अच्छे से और समझने के लिए हमने इस साल 350 AWS पैन हिमालय लगाने की एक योजना बनाई है और वह योजना स्वीकृत हो गई है, और अगले साल हम अक्टूबर नवंबर तक ये 350 AWS पूरे हिमालय क्षेत्र में वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसको लगा लेंगे। इससे हम पूरे हिमालय को वर्गीकृत करेंगे और अच्छे से इसको समझ सकेंगे कि कहां पर किस तरह की, और इसलिए भी जो आप सर कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पे विज्ञान को काफी आगे बढ़ना होगा, और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि तमाम चीजें की जा रही हैं ताकि कम से कम उस आपदा से होने वाले जान और माल के जो नुकसान होता है उसको हम कम से कम कर सकें। और भी इस विषय के तमाम पहलू हैं, इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे आप सभी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले रहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है, सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें।
शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। एक्सट्रीम कोल्ड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place. Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपदा का सामना, और आपदा के सामना के इस अंक में आज हम बात कर रहे हैं जो माउंटेन हजार्ड्स यानी कि पर्वतीय आपदाएं की। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, मेरा अगला सवाल कुणाल सर आपसे होगा कि हम जानते हैं कि लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपदाएं की घटनाएं होती है, तो उसमें तमाम सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां, SDMA, NDMA, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको कम करने में लग जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल कि क्या आज की तारीख में भी NDMA के सामने वो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जब इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो उसको उसको और भी कम करने के लिए NDMA के सामने कौन कौन सी चुनौतियां पेश आती हैं, और आपकी तरफ से NDMA की तरफ से और कौन कौन से पहल इस दिशा में किए गए हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपदा के समय मुश्किल होती है, तीन चार बड़े भिन्न हैं मैदानी क्षेत्रों से। पहला जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसमें जो हैबिटेशंस हैं, जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं और बड़ा इनएक्सेसिबल एरिया है, तो दुर्गम क्षेत्र है, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। और किसी भी आपदा में पहला 24 घंटा या 48 घंटा बड़ा जरूरी है अगर जान माल का की सेफ्टी करनी है। तो एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में इलाके बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में फैले होते हैं, बहुत दुर्गम होते हैं, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा जो मुश्किल है उसमें, बहुत जगह कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत वीक हैं, मोबाइल के सिग्नल नहीं पहुंचते, टेलीविजन के सिग्नल नहीं पहुंचते, आप कोई अर्ली वार्निंग देना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाता। तीसरा जो बड़ा पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत नदियां निकलती हैं, 70% पानी दुनिया में तीसरा पोल बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलता है। अभी नदियों में पुलों का टूट जाना तो पूरा इलाका कट ऑफ हो जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तीन जो मुख्य चैलेंजेस हैं, पहला गाँव की आबादी फैलाव होना, दूसरा वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम का कम होना, और तीसरा जो पुलिया और डैम्स का टूटना नदियों के कारण, इन कारणों से बहुत मुश्किल होती है। और जो चौथा कारण है, चाहे जितनी भी आपदाएं पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं जिसका तुलना अगर मैदानी क्षेत्रों से किया जाए, जैसे साइक्लोन का प्रेडिक्शन हम 6 घंटा पहले 48 घंटा पहले बता देते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, पर्वतीय क्षेत्रों के जो आपदाएं हैं उसमें समय बहुत कम मिलता है, लीड टाइम बहुत कम मिलता है। चाहे एवलांच हो, चाहे बादल फटना हो, चाहे ग्लोव का बर्स्ट होना हो, चाहे फ्लैश फ्लड हो, इन सब में जो लीड टाइम है सिर्फ आधा घंटा, 2 घंटे। चमोली देखा आपने, केदारनाथ देखा है, इसमें तो बड़ा कम समय मिलता है नीचे के इलाकों में बताने के लिए। तो ये 5-6 प्रमुख चैलेंजेस हैं जो माउंटेन में डिफरेंट हैं प्लेन्स की आपदाओं के। इसको कैसे आप लोग कॉप अप करते हैं इसके साथ, इस तरह की? इसको कॉप अप करने के लिए बहुत सारी NDMA में बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली गई हैं। 2020 में ग्लोव पे गाइडलाइन निकाली गई हैं। अभी कई बड़े प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो इस साल से चालू किए जाएंगे, और सबसे बड़े प्रोग्राम जो बन रही है वो भूकंप के बारे में है। भूकंप नेशनल अर्थक्वेक मिटिगेशन प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, उसको लागू किया जाएगा अगले 4 सालों में। फिर एक नेशनल लैंडस्लाइड एंड ग्लोव मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया गया है, उसको लॉन्च किया जाएगा। फॉरेस्ट फायर, वनों में आग लगने की एक बड़ी प्रोग्राम की संरचना की जा रही है, वो भी लॉन्च किया जाएगा। कई सारी गाइडलाइंस हैं, कई सारे SOPs हैं, और
जो अर्ली वार्निंग बात कर रहे थे डीजीआरई के डायरेक्टर साहब, उसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में भी एनडीएमए ने कई सारी पहल की हैं। इसी पर से मेरा एक सवाल कुणाल सर है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, सैलानी फंसते हैं, जो वहां के जो लोग जो नेचुरल हैबिटेट जिनका है लोकल हैबिटेट वो डिस्टर्ब होते हैं, इसमें लोकल कम्युनिटी का कितना सहयोग जरूरी हो जाता है? क्योंकि एनडीएमए के लोग दिल्ली से जाएंगे या आसपास के जगह से जाएंगे, एसडीएमए जाएगी, लेकिन सबसे पहला रिस्पांस अगर कोई दे सकता है तो वो लोकल कम्युनिटी दे सकती है, इसको आप कैसे? बहुत सही सवाल है और इसके बारे में माननीय गृह मंत्री के आदेश के अनुसार पिछले साल हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं आपदा मित्रा स्कीम, और उसमें हर कोई 1,00,000 वॉलेंटियर पूरे देश में 350 जिलों में ट्रेन किए जा रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में भी ट्रेन किए जा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ है, चाहे जितना भी सक्षम हो, समय बड़ा क्रूशियल होता है आपदाओं के समय, और लोकल लोगों का ट्रेन होना, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में और पूरे देश में जो संवेदनशील जिले हैं उसमें लोकल पंचायतों के साथ काम करें, लोकल युवक मंडल महिला मंडलों के साथ काम करें, लोकल युवाओं के साथ काम करें, चाहे वो एनसीसी के वॉलंटियर हों चाहे एनएसएस के वॉलंटियर हों। तो एक बड़ी जरूरी बात है पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके कि लोकल साझेदारी के बिना आपदाओं से लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके पाटनी सर, बहुत बार हमने कई सारे अखबारों में, न्यूज़ में और एडिटोरियल में पढ़ा है, और वो उंगलियां आपकी तरफ उठने वाली हैं, वो ये कि देखिए प्राकृतिक घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जो मानव जनित घटनाएं हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो इस तरह के डिजास्टर हैं कि वहां पे बड़ी बड़ी इस तरह की परियोजनाएं बन रही हैं और क्लाइमेट इंपैक्ट नहीं लिया जाता, एनवायरमेंट इंपैक्ट उसका क्या है वो नहीं उसका एसेस किया जाता है, और बिना इन चीजों को देखते हुए वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं हिमालय क्षेत्रों में, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो उठती रहती हैं, क्वेश्चन मार्क में इस तरह की चीजें आती रहती हैं, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आप पूरी संरचना को देखें तो इस पे 4-5 मुख्य बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी, पहला बिंदु तो ये है कि जो नदियां, चाहे सतलुज हो, ब्यास हो, धौली हो, अलकनंदा हो, भागीरथी हो, सियांग हो, सुबानसरी हो, ये नदियां बहुत गहरी घाटियों में बसती, बहुत नीचे सतह पे, एक एक 2-2 हजार फीट के ऊंचे पर्वत इनके घाटियों के दाएं और बाईं तरफ। अब सबसे बड़ी समस्या है इन पर्वतों में, अगर आप देखें कुछ में तो वेजिटेशन कवर है, कुछ में नहीं है, और 20 या 25 मीटर की जो परत है या तो ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट से है या नादा फैन से है, और मैक्सिमम बसावट इन्हीं के आसपास बसी हुई। होता क्या है, जो अनियमित वर्षा हो रही है या कोई क्लाउड बस्ट हो रहा है या ग्लेशियर लेक आउट बस्ट हो रहा है कहीं पे, तो उसकी वजह से जो बाढ़ या जो पानी आता है वो सबसे ज्यादा इनको इफेक्ट करता है। अगर आप, मैं तो 40-45 वर्ष तक हिमालय क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ, मेरा ये अनुभव रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, अगर आप पुराने लोगों को देखें, पुराने अतीत पे जाए, तो जो पर्वतीय लोग थे वो नदी से कम 500-600 मीटर ऊपर बसते थे। आज क्या, जितने रिसोर्ट हैं, होटल हैं या विलाज हैं, सब रिवर बैंक के किनारे। और दूसरा, जो आपने सही कहा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या सड़कें जो कुछ बन रही हैं, उनके निर्माण कार्य अगर सुचारू रूप से किए जाए, रिलीजियसली किए जाए, तो वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना हम सोचते हैं। फिर भी अगर आप देखें, जो पिछली बाढ़ आई है केदारनाथ की, जो ट्रेजिडी हुई है, तो टेहरी बांध ने बहुत कुछ बचाया है। अगर आप देखें उसमें 8-9 मीटर का कुशन उनके पास था, उन्होंने अलकनंदा नदी के पानी को जाने दिया और भागीरथी के पानी को रोके रखा। जब अलकनंदा नदी का पानी निकल गया तब जाके भागीरथी का डिस्चार्ज उन्होंने रिलीज किया। तो बांधों से, हाँ, ऊंचे बांध के निर्माण के लिए तो मैं भी नहीं चाहता कि ऊंचे बांध बने ऐसे संवेदनशील पहाड़ों पे। हाँ, 50-60 मीटर के बाद वाकई में हमारे लिए काफी, और इसलिए भी सर प्रधानमंत्री कई बार कह भी चुके हैं कि प्रकृति और विकास दोनों हो, प्रकृति का भी संरक्षण हो और विकास भी साथ साथ चले, लेकिन पर्यावरण की कीमत पे ना हो, ये हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर प्रमोद, आप अभी कह रहे थे कि खासकर आप लोगों ने जो एक मैपिंग की है कि कुछ खास क्षेत्रों में ही एवलांचेज हिमस्खलन की घटनाएं आती रही हैं, लेकिन अभी हमने बीते दिनों देखा द्रौपदी का डांडा, ये अनयूजुअल था। बहुत से लोग इस बात को कहे
कि यहां पे कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इस एरिया में भी इस तरह के एवलांचेस होंगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जो ये उत्तरकाशी के पास में द्रौपदी का डांडा हुआ है जी, जनरली क्या होता है कि जो यूजर है, जो एक्सपीडिशंस चलते हैं, वो हमसे सलाह लेते हैं जाने से पहले कि हमारा 20 दिन 25 दिन का ट्रैक है और ये बर्फ वाले एरिया से जा रहा है, आपकी हमें सहायता की जरूरत है। तो हम उनको वहां से डेटा लेके सहायता पहुंचाते हैं। अब लेकिन ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंचती है, या उनको लगता है कि ये हम हर साल कर रहे हैं तो इस साल भी कुछ नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं है। तो जो भी एजेंसी उसमें है उनको बताया जाना चाहिए ताकि उनको सहायता पहुंच सके, उनको एक वार्निंग मिल सके टाइम्स। चलिए, तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि जो लोग वहां पे हैं या फिर जो सैलानी जा रहे हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, उनको समय से पहले अगर जानकारी मिल जाती है। हालांकि जो ये रिस्पांस टाइम होता है, जैसा कि कुणाल सर कह रहे थे कि बहुत ही कम होता है, लेकिन बावजूद फिर भी इसके अगर उन्हें टाइम से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए या फिर उन्हें ये बता दिया जाए कि इस तरह के ये क्षेत्र हैं, तो शायद जानो माल का नुकसान कम से कम हो सके। हम और भी कुछ अहम विषय हैं, इसके आयाम हैं, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है, सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place. Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में समय की कमी है, हम सीधे रुक करेंगे अब कुणाल सर आपका। और सर आखिर में छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप तीनों ही मेहमानों से कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं उसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, लोकल स्तर पर किस तरह के सहयोग की, किस तरह के साथ की जरूरत होती है और जरूरत के वक्त इस तरह से ये जो एजेंसीज हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? जो आपदाएं हैं उसमें सबसे अहम भूमिका राज्य सरकारों की है। जो भारत की सरकार है उसमें अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2019 का, उसके अनुसार सारा जो संरचना की गई है आपदाओं से लड़ने के लिए वो की गई है और बड़ा चेंज हुआ है। अब प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिकवरी रिकन्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो संरचना भारत के राष्ट्र स्तर पे है ऐसी संरचना राज्यों के स्तर पे भी है जी। और जो रिस्पांस के लिए सबसे बड़ी टीम है जो NDRF की टीम है भारत के सरकार के लेवल पे, ऐसी टीम्स स्टेट के लेवल पे भी बनाई जा रही है जिसको SDRF बोलते हैं जी। तो SDRF का काम है रिस्पांस रिलीफ करना आपदाओं के समय। और जैसा हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रखा है भारत के लेवल पे, राष्ट्र के लेवल पे, ऐसी राज्यों ने भी अपने सारे राज्यों में 36 के 36 राज्यों ने अपनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रखी है। जिला के स्तर पे भी जिला की अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं, उसके अनुसार काम किया जाता है। और जो तीन चार नई चीजें
की जा रही हैं, जो मुश्किलें होती हैं आपदाओं के समय, वही जो आपने पहले पूछा था कि लोकल कम्युनिटी को, लोकल लोगों को आपदाओं के बारे में ट्रेन करना, आपदाओं की वार्निंग देना, उसके लिए बेसिक इक्विपमेंट का प्रोवाइड करना, हर हर नागरिक को जुड़ना पड़ेगा आपदाओं से लड़ने के लिए, सिर्फ राज्यों या राष्ट्र के बस का नहीं है। तो वो कोशिश की जा रही है और डिसिमिनेट करने की भी कोशिश। दो तीन चीजें बड़ी जरूरी है कि जब आपदा होती है उसके पहले 24-48 घंटे में सही समय पर सही मदद पहुंच जाए, बिल्कुल, चाहे SDRF से आया, चाहे एयरफोर्स से आया, चाहे NDRF से आया, चाहे लोकल, उसमें सबको ट्रेन किया जा रहा है और सबको कैपेबल बनाया जा रहा है उन आपदाओं से लड़ने के। ओके पाटनी सर, मेरा सवाल, अगला सवाल ये कि इस तरह की जब चीजें होती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन ठीक है, हम तकनीकी तौर पे अभी कितने सक्षम हैं और आने वाले दिनों में हमें और कितना मजबूत, कितने सक्षम होने की जरूरत है? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मुझसे पूछें, जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर, अब समय आ गया है हमें कि सब सरफेस वर्क स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप यूरोप के देशों को देखें और ऑस्ट्रेलिया को देखें, उन्होंने जमीन की सतह के नीचे बहुत काम किए, इवन चाइना ने बहुत अच्छे काम किए। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो इतना संवेदनशील है, सुरंगों के माध्यम से ही अब हमको हिमालयन जो सतह है इसको बचाना। तकनीकी तौर पे हम सक्षम हैं कि हम इन चीजों से पार पा सकें, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सर, मेरा सवाल आखिर में ये होगा कि अगर मान लिया जाए किसी को, कोई सैलानी है या फिर कोई लोकल कम्युनिटी है जो कि चेतावनी के बावजूद भी अगर उन्हें उन इलाकों में जाना पड़े, तो उन्हें किन किन चीजों की जो सावधानी है वो बरतने की जरूरत होगी? ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है जी। ये जो उत्तरकाशी की घटना है उससे भी संबंधित है, और क्योंकि जैसे बताया कि एवलांश तो 6 महीने आते ही आते हैं विंटर में, तो इसमें जो सलाह दी जाती है वो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। कि कभी भी जैसे एवलांच वाले क्षेत्र हैं, इसमें तो आपको जो विंटर रूट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और कभी भी आप अकेले ना जाएं उस एरिया में, आपके साथ जो भी ग्रुप है, और जो जोखिम भरे क्षेत्र हैं उनको एक एक करके आपको क्रॉस करना होता है। आप पूरे के पूरे एक क्लस्टर फॉर्म में नहीं जा सकते, जैसे कि उत्तरकाशी वाली घटना की मैं बात बता रहा हूं। okay. तो जितने भी लोग वहां पर हैं वो सभी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक एक करके आप क्रॉस करें। आपके पास कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम सेफ्टी किट बोलते हैं, जैसे एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है, एवलांच कॉर्ड है, एवलांच रॉड है, स्नो शावल वगैरह, ऐसे कुछ होते हैं जिनको आपको साथ में ले जाना होता है। लोग जागरूक बने तो, और खासकर जब इस तरह की चीजों में वो जाएं, तो कम से कम NDMA की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं वो उसको पढ़ के जाएं, समझ के जाएं। रेडियो पे आप लोगों की तरफ से, NDMA की तरफ से कई बार बातें की जाती हैं, अखबारों में, वेबसाइट्स में, इन तमाम जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उन तमाम चैनलों पे जाएं, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, तभी आप इस तरह की चीजों में जाएं, तभी आप अपने जान माल का जो नुकसान है उसे कम से कम कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप तीनों ही मेहमानों का, कुणाल सत्यार्थी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, BD पाटनी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार सत्यावली सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुत ही अहम और कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में, आपदा के सामना के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।